शासन के नई गाइडलाइन के अनुसार 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में ढील देते हुए बाजारों के खुलने का समय सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक कर दिया गया है, जिसके कारण बाजारों में भीड़ बढ़ गई है, जिसको देखते हुए पुलिस कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों और बिना मास्क घूमने वालों पर विधिक कार्रवाई करते हुए चालान काट रही है और लोगों को कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक भी कर रही है। सोमवार को चेतना तिराहे पर पुलिस मास्क चेकिंग के साथ लोगों को जागरूक भी करती रही। इसके बाद रात्रि 9 बजे से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। इस दौरान महानगर के विभिन्न चौराहों और सड़कों पर नाइट कर्फ्यू का आंशिक असर देखने को मिला, जिसके संबंध में SP सिटी सोनम कुमार ने बताया कि रात्रि 9 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू होगा। उन्होंने दुकानदारों से कहा कि अपना दुकान बंद करके 9 बजे तक अपने घर चले जाएं। अगर कोई रात्रि 9 बजे के बाद अनावश्यक रूप से घूमता हुआ मिलता है तो उसके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। SP सिटी ने कहा कि कोरोना महामारी से हम सबको मिलकर लड़ना होगा, तभी इस महामारी से छुटकारा मिल पाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP सिटी सोनम कुमार ने कहा, ये रात्रि कर्फ्यू जो है 9 बजे से आज रात 9 बजे से लागू होगी और जनता से ये अनुरोध रहेगा कि अपना जो कार्य है वो समाप्त करके 9 बजे तक अपने घरों में चले जाएं, अपने दुकान वगैरह बंद करके 9 बजे तक घरों में चले जाएं। अगर आप 9 बजे निकलेंगे तो 9 बजे के पहले अपने घरों पर नहीं पहुंच पाएंगे। अगर 9 बजे के बाद कोई भी अनावश्यक रूप से बाहर मिलता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कोरोना खतरा बरकरार है, थर्ड वेव की बातें भी चल रही हैं, इसलिए हमारा और आपका दायित्व बनता है कि हम जितने भी प्रिकॉशन हैं वो लें और कोरोना महामारी से लड़ने में एक दूसरे के साथ मिलकर पुलिस का भी सहयोग करें, प्रशासन का भी सहयोग करें।